मास निकाल के बात करनी पड़ती है। तो आज जा रहे पुणे, आज है 19 अक्टूबर और पुणे जा रहे दोपहर का टाइम है, साढ़े बारह बजने को है अभी। तो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं बताऊँगी आपको और कुछ दिखाऊँगी भी। मेन ABC जो अप्पा बड़वन चौक है वहाँ पे जा रहे हैं, तो पता चल ही गया होगा, बता देती हूँ। बुक्स खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा काम है, कुछ डिसाइड किया है तो उसके रिलेटेड ही अभी ये शॉपिंग है। शॉपिंग नहीं है, ABC में सेकेंड हैंड बुक्स मिलते हैं कम प्राइस में, तो वो बुक्स वगैरह नोटबुक्स खरीदनी है हम दोनों के लिए, कल्प के लिए नहीं खरीद रहे। तो अभी निकल रहे हैं, आधा रास्ता तो हो गया है कवर। कल्प को भी साथ लेके जा रहे क्योंकि उसको घर पे नहीं रखा, बहुत दिन हो गए वो भी बाहर नहीं निकला, तो सोचा चलो उसको लेके जाते हैं। मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं मास्क पहनो क्योंकि यहाँ पे दिखे आपको, ये देखो ट्रैफिक पुलिस खड़े हैं, तो इस वजह से। कल हस्बैंड ने ऐसे ही सब्जी खरीदने के लिए मेन हाईवे पे काम से आते आते गाड़ी खड़ी की, उतरे भी नहीं थे, इवन गाड़ी स्टॉप भी नहीं की थी, सिर्फ स्लो की थी, फिर भी उनको मतलब उनसे वो चलन उन्होंने काटा उनका 200 रुपये का, क्योंकि बोल रहे थे कि ट्रैफिक जाम कर रहे हो आप। एक्चुअली में वो उतरे भी नहीं थे, सिर्फ सोच ही रहे थे कि उतरूँ या नहीं, उसी चक्कर में चलन काट लिया। तो अभी मास्क है नहीं, मतलब मास्क नहीं है तो भी पकड़ते हैं, या जो भी है उनका भी सही है, ऐसे नहीं कि गलत है, लेकिन रुकने के बाद चलो रुक गया आदमी और गाड़ी खड़ी करके उतर गया नीचे तो लिया तो ठीक है, लेकिन चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये बारिश की वजह से सब्जियां वगैरह इतनी ख़राब आ रही है और महंगी, बहुत ज़्यादा महंगी भी आ रही है। तो आज शॉपिंग कुछ नहीं करनी है, बस यही देखना है, और कुछ अलग दिखा कुछ मिला, मतलब देखना तो है नहीं, अगर चलते चलते कुछ दिखा तो खरीदूँगी, पॉसिबिलिटी तो नई की ही ज़्यादा है, देखती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। ABC वगैरह किस तरह से क्या है, क्या बुक्स लेने हैं, किस लिए लेने हैं, वो भी बताती हूँ सब कुछ। तो मम्मी को घर पे ही रोका है, मतलब घर पे ही रखा है, क्योंकि अभी इस तरह से घूमना भी अच्छा नहीं है उनका, और कुछ काम भी नहीं है तो क्यों घूमे ना। कल्प लेकिन आज सुन नहीं रहा था, ये देखिए कल्प ये बिल्कुल आज सुनने के लिए रेडी नहीं था, तो इसको लेके जा रहे हैं। मास्क है वैसे और एक दो जगह पे ही जाना है, तो ये देखिए इसने भी मास्क निकाल दिया, मैंने निकाला है इसलिए। ट्रैफिक दिखाती हूँ अभी आपको। तो हम यहाँ पे जा रहे हैं यूनिवर्सिटी रोड से, और मेट्रो का काम चल रहा है इस वजह से सिग्नल तो है लेकिन डिस्टर्ब हो चुका है, तो ये देखिए बीच में कोई तो घुस गया, और काम की वजह से रास्ते में उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ये सब कुछ ऐसे ही खड़ा हुआ दिखेगा आपको, तो ट्रैफिक थोड़ी स्लो रहती है। यह है दोपहर 12:30 बजे की ट्रैफिक, ये सेंट्रल के सामने यहाँ पे। और ग्रीनरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, बारिश की वजह से सब कुछ ऐसे ग्रीन ग्रीन है एकदम। तो चलिए अभी इसको भी सीट बेल्ट लगाती हूँ। तो जैसे कि कल्प ने डिमांड की सीट बेल्ट की, तो मैं उसको भी सीट बेल्ट यहाँ पे लगा रही हूँ जैसे तैसे, और सीट बेल्ट लगाना चाहिए एक्चुअल में, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी भी है। और इसके बाद शायद मैं अपने हस्बैंड के साथ कुछ तो सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रही थी, बीच में कल्प के बाल भी सवार रही थी, हम दोनों का कुछ तो सीरियस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, और कल्प का पता नहीं क्या चल रहा है, ये देखिए ये कुछ तो फिंगर्स दिखा रहा है, मेरा ध्यान भी नहीं इसके ऊपर, ये क्या कर रहा है पता नहीं। कहाँ है बाबू? Good traffic.
स्टार्ट होती है तुलसी बाग। तुलसी बाग शायद आपने सुना ही होगा, तो यहाँ से अंदर से स्टार्ट होती है। यहाँ पे हर आपको ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, और ये यहाँ पे सारे फूल गजरे सब कुछ मिलता है, और इतनी अच्छी स्मेल आती है यहाँ से जाते वक्त कि पूछो मत। मतलब सारे टाइप के फूल्स गजरे वगैरह सब ये इतने एरिया में मिलता है। और इसके बाद स्टार्ट होता है नॉर्मल सा तुलसी बाग, मतलब ज़रूरत की चीज़ें वगैरह सब मिलता है। तो यहाँ से अब मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था, इसलिए हम फटाफट यहाँ से निकल गए। चप्पलें वगैरह जो भी सामान है आप जो भी चाहो यहाँ से ख़रीद सकते हो। और ये मैंने शूट किया है दगड़ूशेठ गणपति के साइड वाला जो जगह है वहाँ का शूट किया है। सामने गाड़ी में थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। तो ये देखिए कितना शांत हो गया है। यहाँ पे एक्चुअली लाइन वगैरह लगती है, पूरी भीड़ रहती है, लेकिन आज ये पूरी तरह से एकदम शांत था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं पता नहीं क्या कर रही थी, हम तीनों को एक फ्रेम में लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि और धूप की वजह से मैं और हस्बैंड हम दोनों भी लस्सी को एंजॉय कर रहे, और कल बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहता बाहर की चीज़ें खाने में पहले से, तो वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है वहाँ पर बैठ के। नीट दाखव, ये लिया है लास्ट में, दो तीन जगह पूछा बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे थे, तो हस्बैंड ने कैंसिल कर दिया कि प्राइस बहुत ज़्यादा बता रहे। और होता क्या है कि घर में भी बहुत वो इसका होता है ना सोप का, तो नीचे पैर फिसलने के अब चांस रहता है, तो नहीं ले रहे थे। लेकिन बाद में उसने बोला नहीं वही चाहिए, और हम लोगों ने लस्सी पी, आपको दिखाया, उसने लस्सी वगैरह कुछ भी नहीं पी, कुछ भी खाया नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि चलो जाने दो, कुछ तो लेके दो, मतलब आया इतनी दूर तक तो कुछ तो लेके दे दो उसको, उसने कुछ खाया भी नहीं कुछ नहीं। तो ये बबल्स लेके दिए हैं और इतना खुश है तब से लेके बैठा है। इसके बाल देखिए कितने बड़े हो गए, ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको साइड से, तिगड़े बक इतने बड़े हो गए बाल। हस्बैंड को बोल रही हूँ कि इसके बाल काट के लेकर आओ, पर वो सुनने को रेडी नहीं, वो बोल रहे नहीं बहुत और बढ़ने देने, और बढ़ने देने, अभी और कितने बढ़ना बढ़ाने पता नहीं उनको। तो
ऑलमोस्ट पहुंच गया है थोड़ी देर में, अभी 2-5-10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। हस्बैंड गए थे वड़ा पाव लाने के लिए, उनके लिए ये देखिए आ गए, तो उनके लिए और मम्मी के लिए मैंने फास्ट रखा है नवरात्रि का 10 दिनों का, तो मेरा तो फास्ट है, तो उनके लिए वो लेने गए थे। कल बाहर का कुछ भी नहीं खाता तो वही लेके आए। अभी घर पहुँचेंगे हम, और फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 चीज़ें ली है। ये मोबाइल के लिए मैंने नया स्क्रीन गार्ड, बैक कवर, मतलब जब से मोबाइल लिया है, व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट की 1 साल होने को है, उसके पहले मतलब मोबाइल लिया था 8-10 दिन पहले, तो तब से मतलब 1 साल से ज़्यादा ये कवर को हो गया, बैक कवर और फ्रंट कवर भी, तो वो भी आज चेंज करवाए। वो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि वो तो मेरे हाथ में रहता है मोबाइल। ऐसे ही 2-3 चीज़ों की इंक्वायरी की, लेना तो है लेकिन बजट नहीं अभी, तो इंक्वायरी करने में क्या जाता है, चलो देखने में क्या जाता है। मैंने हस्बैंड को बोला देख तो लेते क्या है कैसे है, तो और चीज़ें भी खरीदी कुछ, ऐसे ही घूमे फिरे, खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ लस्सी पी क्योंकि मेरा तो फास्ट है, और अभी बाहर खाना भी मतलब इतना नहीं है। हस्बैंड को बोल रही तुम आपको और कल को कुछ खाना है तो खा लो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो अभी वो लोग वड़ा पाव एंजॉय कर लेंगे घर पे जाके। और अभी टाइम हुआ है 3:50, तो अभी 5-7 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाएँगे, फिर उसके बाद कुछ काम नहीं है, सिर्फ आराम ही आराम करना है। तो जैसे मैं टाइम मिलता है आपको दिखाती हूँ क्या क्या ख़रीदा है और आपको बताती भी हूँ। तो चलिए फिर अभी सीधा आपको घर पे जाके मिलते हैं। कल बाजू ना बताओ, तो मैंने जैसे कि आपको बोला था घर पे जाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या खरीद के लाई हूँ, तो फटाफट दिखा देती हूँ क्योंकि कल को मुझे सुलाना है अभी। तो सबसे पहले तो ये डायरी खरीदी है, ये है 2020 की, तो हस्बैंड को ये ईयर का कुछ नहीं था, मतलब ईयर प्लानिंग का नहीं था, सिर्फ लिखने के लिए चाहिए था। तो ABC में अगर आप जाओगे पुणे में, तो वहाँ पे इस तरह की डायरीज 2020 की भी, 2021 की भी और 2020 के पहले की भी अगर आपको चाहिए तो आप ख़रीद सकते हो। साइजेस अवेलेबल होती है यहाँ, इतनी से लेके इससे भी बड़ी भी साइजेस मिलती है, ईजिली अवेलेबल है और रोड पर ही बेचते हैं। तो इसकी प्राइस है 100 रुपीज़, तो 150-20 इतनी प्राइस तक के भी आ जाती है, तो बहुत अच्छी है, लिखने के लिए बहुत सारा स्पेस है। तो उन्होंने अपने ऑफिस के काम के लिए इसको ख़रीदा है, तो ये एक डायरी। उसके बाद कल के लिए स्लेट खरीदी है, वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं पता नहीं कलर की वजह से, तो ये ABCD है और 1-10 है, और कैपिटल लेटर्स है, स्मॉल लेटर्स है, तो ये ऐसे इस तरह से वो लिखेगा, पता नहीं कितना लिखेगा। तो मम्मी बोल रही थी ये लेके आओ लेके आओ, तो हमारे टाइम पे भी होती थी, लेकिन हमारे टाइम पे कैसे था, यहाँ पे गैप रहता था, तो आप ऐसे रख के इसके ऊपर लिखोगे तो वो पेपर पे उसका आता था, तो वो अच्छा भी लगता था करने में भी। अभी कल भी इसका कितना यूज़ करेगा पता नहीं, लेकिन लेकर आए हैं और ट्राई करूँगी कि ये यूज़ करे इसे, तो ये स्लेट कल के लिए। उसके बाद हस्बैंड ने शायद ये अपने ऑफिस का कुछ ख़रीदा है, ये मुझे पता नहीं है, चलन कुछ तो है ये, तो उनके ऑफिस का काम था ये। और ये देखिए इतने सारे बुक्स है, तो ये सारे बुक्स इसमें है 8th, 9th और 10th, तो 3 साल के बुक्स खरीदे हैं ये मैथ्स के सिर्फ। मैंने आपको बोला है कि हम लोगों के क्लासेस है, ट्यूशंस लेते हैं हम लोग, तो मैं नहीं ले रही थी कल की वजह से, लेकिन अभी कल बड़ा हो गया तो मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो ट्यूशन लेते हैं, लेकिन हमने ये स्टैंडर्ड के कभी ट्यूशन नहीं लिए, हमने सारे 11th से आगे के लिए, तो इसलिए बुक्स लेके आए क्योंकि हम 8th से भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूशन लेना, तो उसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा क्या है कैसे, नोट्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि सीधा जाके पढ़ा नहीं सकते, तो प्रॉपर प्रिपरेशन अगर है तो आप सामने वाले बंदे को भी अच्छा नॉलेज दे सकते हो। तो इसलिए ये बुक्स लेके आए क्योंकि अभी शायद स्कूल स्टार्ट जनवरी से ही होगा, तो ट्यूशन भी तभी से स्टार्ट होगा, तो ये अभी लेके आए हैं ताकि 2-2.5 महीने है तो उसमें हम अपना हम देख सके क्या है कैसे है, इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कुछ बाहर से भी नोट्स ऐड करने पड़ेंगे ये सब कुछ, तो ये अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो इसी को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये रफ बुक लेके आए हैं, तो ये इतनी मोटी रफ बुक है, पुणे में अगर आप ABC में जाओगे तो इस तरह की रफ बुक आपको बहुत कम प्राइस में मिल जाएंगी, साइजेस इसमें भी अवेलेबल है, तो ये बड़ी वाली हमने खरीदी क्योंकि इसके इवन हाफ मतलब इतने पेजेस वाले भी थी, तो वो थी 40 रुपीज़ की और ये है 55 की, तो बस 15 रुपीज़ का फ़र्क था, तो हमने ये सबसे बड़ी वाली साइज़ खरीदी। पेजेस इसके आप अगर देखोगे तो थोड़े ख़राब टाइप के होते हैं, लेकिन रफ काम करने के लिए एकदम बेस्ट है,
ये इतनी मोटी है तो इसमें हमारा सब हो जाएगा। पहले हम इसमें सॉल्व करेंगे, रफ काम करेंगे और फिर उसको फाइनलाइज हम A4 साइज के पेपर पे करेंगे। तो ये ऐसी दो बुक्स खरीदी है हमने और इसकी प्रिंट भी बहुत सुंदर है। और एक लिया है माइक, ये माइक किसके लिए, ये मेरे लिए लिया है क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए वीडियोस में हमेशा बनाती हूँ तो मेरे पास माइक नहीं था, एक साल हो गया लेकिन मैंने खरीदा नहीं था। और नॉर्मल हेडफोन से वॉइस ओवर होता है, मतलब वीडियो पहले शूट कर लो और फिर हम जो वॉइस देते हैं एडिटिंग के वक्त, वो मेरे पास नहीं था तो बहुत दिनों से खरीदना था तो ये खरीदा है बोया का। लगता तो है कि सबसे अच्छी क्वालिटी होगी और यही सबसे अच्छी क्वालिटी का था, इसके लोएस्ट क्वालिटी भी थी लेकिन ये हमने खरीदा। और ये बॉटल्स खरीदी है सैनिटाइज़र की, तो इसका यूज़ सैनिटाइज़ करने के, सैनिटाइज़र के लिए नहीं होगा, इसका यूज़ हम जब हम बाहर ट्रैवलिंग के लिए वगैरह जाते हैं तो ये चाहिए होता है ना हमें, तो ये खोलना पड़ेगा शायद उसके बाद होगा ये। तो ये इस तरह से, तो ये दो बॉटल्स खरीदी है दो कलर की, बाद में कभी यूज़ होंगी। तो बस इतनी शॉपिंग की है और कल तक मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया क्या खरीदा है। दाखो बाबू काय घेतलं तू बबल्स, ते फोनमध्ये दाखव, दिखा रहा है हो गया तो उसका चल रहा है, उसका अपने खेलने का काम चल रहा है। तो अभी 4 बज गए, इन लोगों ने पैटिस वगैरह सब खा लिया, इतना खा दिया होगा, मैंने भी थोड़े से वेफर्स खाए, अभी हम आराम करेंगे। और आज का वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और इस माइक का यूज़ करके आज का वीडियो मैं एडिट करूँगी, मतलब इसका यूज़ होगा कुछ तो कहीं ना कहीं पे। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इससे आगे भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी त्यौहार स्टार्ट हो रहे हैं तो त्यौहार को भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।